हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे टॉप 10 न्यू वैकेंसीज के बारे में। यहाँ पे टॉप 10 न्यू वैकेंसियाँ जो है 6 मई 2024 की आई हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो वैकेंसियाँ आई हैं मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, आईटीआई, डिप्लोमा लेवल है। तो चलिए एक एक करके जो है पूरी जानकारी आपको बताते हैं। इसी तरह की नई वैकेंसियों की या नई अपडेट की जो है आपको जानकारी चाहिए, चैनल पर पहली बार भेजिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं पहली रिक्वायरमेंट की। तो यहाँ पे पहले जो रिक्वायरमेंट आई है, टाटा स्टील में जो है वेरियस पोस्ट की रिक्वायरमेंट आई है। इसके लिए जो आपका सिलेक्शन होगा इंटरव्यू बेसिस पे होने वाली है। आवेदन 1 मई 2024 से स्टार्ट है और यहाँ पे किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगेंगे। 18 से 30 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर, यहाँ पे मैनेजर प्रोडक्शन, सुपरवाइजर, रिसर्चर, सीनियर एसोसिएट, शिफ्ट सुपरवाइजर, मेडिकल ऑफिसर, अकाउंटेंट, मशीन ऑपरेटर, प्लांट बेस्ड इंचार्ज, हेड ऑपरेशन, मैनेजर सेल्स, गेटमैन, एरिया मैनेजर, मैनेजर सेल्स रिटेल्स, स्पेशलिस्ट, मेडिकल ऑफिसर, एसोसिएट स्पेशलिस्ट, मैनेजर ऑडिट फाइनेंस, मैनेजर कोस्ट रिसर्चर की जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट आई है। इसके लिए पेमेंट जो है 24,500 से 68,000 रुपये एज पर पोस्ट बाय जो है पेमेंट आपको मिलेगी। डिटेल नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो है अलग अलग जो है आप देख सकते हैं। यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन की लिंक आपको प्रोवाइड की गई है, अप्लाई की लिंक आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जहाँ से आप जो है पूरी डिटेल्स की जानकारी ले सकते हैं और अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो दूसरी रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के तहत एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट आई है। अगर आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में, तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 4 मई 2024 से स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 24 मई 2024 रखी गई है। यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 750 रुपये एप्लीकेशन फी लगेंगे। अगर आप एससी एसटी विकलांग कैटेगरी हैं तो 150 रुपये एप्लीकेशन फी लगेंगे। 22 से 30 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। 54 सीटों के रिक्वायरमेंट्स आई हैं और यहाँ पे आईटी एग्जीक्यूटिव की क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको बीटेक डिग्री कंप्यूटर साइंस के तहत आईटी के तहत होनी चाहिए। अगर आपके पास एमसीए डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीसीए है, बीएससी डिग्री कंप्यूटर साइंस आईटी के तहत है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। 54 सीटों की रिक्वायरमेंट्स है। यहाँ पे कैटेगरी बाई सीट डिटेल्स मेंशन की गई हैं। यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन की लिंक, अप्लाई की लिंक प्रोवाइड की गई है। डिटेल नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं और अपनी जरूरत के अनुसार आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे बिहार पॉलिटेक्निक के तहत अगर आप लेटरल एंट्री के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन अभी तक नहीं किए हैं तो इसके लिए जो डेट है ऑनलाइन करने की वो एक्सटेंड कर दी गई है। अब आप जो है 16 मई 2024 तक आवेदन कर पाएंगे। जनरल ओबीसी के लिए 2200 रुपये एप्लीकेशन फी लग रहे हैं। सभी कैटेगरी के लिए 2200 रुपये एप्लीकेशन फी लग रहा है। 14 से 30 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए बिहार लेटरल एंट्री फॉर्म के लिए आपको इंटरमीडिएट जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी डिग्री के साथ जो है अगर आप पास आउट हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसकी डिटेल्स दी गई हैं। डिटेल नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे आपको प्रोवाइड की गई है। डिटेल नोटिफिकेशन आप जो है पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो बिहार आईटीआई की जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो डेट है वो भी एक्सटेंड कर दी गई है। अगर आप बिहार आईटीआई के लिए एंट्रेंस के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसकी डेट जो है बढ़ा दी गई है। यहाँ पे आवेदन करने की लास्ट डेट जो है 15 मई 2024 तक कर दी गई है। पेमेंट करने की लास्ट डेट 16 मई 2024 कर दी गई है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 750 रुपये एप्लीकेशन फी लग रहा है। एससी एसटी फीमेल के लिए 100 रुपये, विकलांग के लिए 430 रुपये लग रहा है। 14 से 17 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली मैट्रिक इंटर पास आउट होनी चाहिए। यहाँ पे जो है सिलेबस डिटेल्स दी गई हैं। यहाँ पे आपको डिटेल नोटिफिकेशन अप्लाई की लिंक भी प्रोवाइड की गई है। डिटेल नोटिफिकेशन आप चेकअप कर सकते हैं और इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप जो है इंटरमीडिएट 2024 में पास आउट किए हैं और मगध यूनिवर्सिटी के तहत अगर आपको यूजी कोर्स पार्ट वन में एडमिशन लेने के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है मगध यूनिवर्सिटी के तहत 5 मई 2024 से स्टार्ट कर दी गई है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट जून 2024 रखी गई है। यहाँ पे एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए
₹600 एप्लीकेशन फी लगेंगे। एससी एसटी के लिए ₹450 एप्लीकेशन फी लगेंगे। आप 17 से 50 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स के लिए अगर आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट जो है साइंस के तहत कॉमर्स के तहत या आर्ट्स के तहत जो है मिनिमम 40% मार्क्स के साथ पास आउट होनी चाहिए तो आप मगध यूनिवर्सिटी के तहत यूजी पार्ट वन में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे किसी तरह के प्रॉब्लम्स हो तो यहाँ पे मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दी गई है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसकी डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड की गई है और यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन और अप्लाई करने की जो है लिंक दी गई है, इसकी डिटेल्स आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद भी अगर आप जो है इंटरमीडिएट 2024 में पास आउट किए हैं और जय प्रकाश यूनिवर्सिटी के तहत आप बीए बीएससी बीकॉम पार्ट वन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है जय प्रकाश यूनिवर्सिटी के तहत 15 मई 2024 से स्टार्ट की जाएंगी। फॉर्म भरने की लास्ट डेट जून 2024 रखी गई है और इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो सभी कैटेगरी के लिए ₹300 एप्लीकेशन फ़ी लगेंगे। 17 से 50 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए इंटरमीडिएट आपको साइंस कॉमर्स या आर्ट्स के तहत मिनिमम 40% मार्क्स के साथ पास आउट होनी चाहिए तो इसके लिए आप आवेदन करेंगे। यहाँ पे किसी तरह का प्रॉब्लम्स है टेलीफोन नंबर ईमेल आईडी दी गई है, इस पर कॉन्टेक्ट आप कर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसकी डिटेल्स दी गई हैं। यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन आप चेकआउट कर सकते हैं और जैसे ही ऑनलाइन आवेदन की लिंक एक्टिवेट की जाती है आपको लिंक भी यहाँ पे एक्टिवेट कर दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं जिसके तहत आप बीए बीएससी बीकॉम पार्ट वन में एडमिशन ले सकते हैं उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे जो है जारी कर दी गई है। बिहार में ऑल यूनिवर्सिटी की लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है जिसके तहत आप बीए बीएससी बीकॉम में पार्ट वन में एडमिशन ले सकते हैं। वो यूनिवर्सिटी है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जिसके तहत 20 अप्रैल 2024 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है। 29 मई 2024 लास्ट डेट रखी गई है। इसके तहत जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए ₹400 एप्लीकेशन फी लगेंगे। एससी एसटी के लिए ₹100 एप्लीकेशन फी लगेंगे। उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी के तहत जो है यूजी पार्ट वन में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आवेदन 18 अप्रैल से ही स्टार्ट है। आवेदन करने की लास्ट डेट 20 मई 2024 रखी गई है। इसके तहत एप्लीकेशन फी जो है सभी कैटेगरी के लिए ₹1100 लगेंगे। उसके बाद पूर्णिया यूनिवर्सिटी के तहत अगर आप यूजी पार्ट वन में एडमिशन लेना चाहते हैं 22 अप्रैल 2024 से आवेदन स्टार्ट है। आवेदन करने की लास्ट डेट 5 मई 2024 रखी गई है। इसके लिए ₹600 एप्लीकेशन फी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए लगेंगे। एससी एसटी के लिए ₹300 एप्लीकेशन फी लगेंगे। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के तहत भी यूजी पार्ट वन में एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन 2 मई 2024 से स्टार्ट कर दी गई है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 30 जून 2024 रखी गई है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए ₹600 एप्लीकेशन फी लगेंगे। एससी एसटी के लिए ₹450 एप्लीकेशन फी लगेंगे। यहाँ पे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के तहत भी यूजी पार्ट वन में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आवेदन 18 अप्रैल 2024 से स्टार्ट है। आवेदन करने की लास्ट डेट 15 मई 2024 रखी गई है। यहाँ पे एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए ₹600 एप्लीकेशन फी लग रहे हैं। एससी एसटी के लिए ₹300 एप्लीकेशन फी लग रहे हैं। उसके बाद जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के तहत भी यूजी पार्ट वन में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आवेदन 15 मई 2024 से स्टार्ट की जाएंगी। फॉर्म भरने की लास्ट डेट जून 2024 रखी गई है। सभी कैटेगरी के लिए ₹300 एप्लीकेशन फी लगेंगे। तो इस तरह से जो है यहाँ पे और यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल जानकारी दी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटरमीडिएट सिंपली साइंस से कॉमर्स से या आर्ट्स से 40% मार्क्स के साथ पास आउट होनी चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। डिटेल नोटिफिकेशन सभी यूनिवर्सिटी की यहाँ पे दी गई हैं। अप्लाई की लिंक भी दी गई है, यहाँ पे आप डिटेल चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो OPTCL के तहत इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है स्टार्ट कर दी गई है। इसके तहत OPTCL के तहत जो है आप आवेदन 12 मई 2024 से कर सकेंगे। आवेदन करने की लास्ट डेट 20 मई 2024 रखी गई है। यहाँ पे सभी कैटेगरी के लिए ₹9440 एप्लीकेशन फी लगेंगे। आप जो है यहाँ पे 18 से 40 साल तक फॉर्म को फिल कर पाएंगे। इसके लिए आपको बैचलर डिग्री जो है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के तहत 4th, 6th या 8th सेमेस्टर में है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे बैच वन में जो है फिजिक्स फिजिकल जो है 24 मई 2024 को ली जाएंगी। बैच टू के लिए फिजिकल जो है 1 जून 2024 को ली जाएंगी।
बैच थर्ड जो फिजिकल है वो 7 जून 2024 को ली जाएगी, टाइमिंग यहाँ पे दी गई है। तो डिटेल नोटिफिकेशन आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से जो है यहाँ पे जो अभी अपडेट थी उसके बारे में हमने डिटेल जानकारी आपको बताई है। और भी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी के तहत भी जो है यूजी पीजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आवेदन स्टार्ट है। इंडियन आर्मी के तहत 10+2 TES कोर्स के लिए आवेदन स्टार्ट है। फैक्ट के तहत अप्रेंटिस की रिक्वायरमेंट है। अरुणाचल प्रदेश के तहत यहाँ पे वैकेंसी आई है। बिहार DLED काउंसिल की जारी कर दी गई है। OFS 11th का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो भी यहाँ पे जारी होने वाली है, इसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे अपडेट निकाली गई है। इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जहाँ से और डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। किसी तरह का क्वेरी क्वेश्चन हो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय।